भाजपा द्वारा केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज तारानगर में विशाल लोकसभा स्तरीय सभा का आयोजन जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अध्यक्षता में किया गया। भयंकर गर्मी और लू के बीच हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं व आमजन की उपस्थिति ने इस सभा को अनूठा बना दिया। सभा को संबोधित करते हुए चूरू सांसद राहुल कसवा ने सबसे पहले वीरों की धारा को नमन करते हुए कारगिल शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में ऐसी सरकार चल रही है जो स्पष्ट विजन और लोक कल्याणकारी कार्यों के बल भारत को तीव्र गति से आगे ले जाने का काम कर रही है। दूसरी ओर राज्य में नकारा कांग्रेस सरकार ने केंद्र की योजनाओं को बंद करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चूरू की धारा पर इतनी गर्मी के बीच इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं का आना दिखा रहा है कि मोदी सरकार और युवा सांसद ने आपके बीच रहकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज मोदी सरकार के अविस्मरणीय कार्य आमजन की जुबां पर है। देश की सुरक्षा को लेकर इस सरकार ने ऐसे ठोस कदम उठाए हैं कि आज देश में आतंक की घटनाएं पुरानी बातें हो गई हैं। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, जिला प्रमुख वंदार्य, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया आदि ने सभा को संबोधित किया। जिले में 16 एवं 17 जून को भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिलेवासियों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। जिला कलेक्टर सिहाग ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 और 17 जून को साइक्लोन के प्रभाव के कारण जिले में भारी वर्षा की संभावना है। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं मुस्तैद है, लेकिन नागरिकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए जिले के सभी नागरिकों, विशेषकर सुजानगढ़, बीदासर एवं रतनगढ़ के नागरिकों से कहा गया है कि भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें और यदि अपने आसपास बारिश के कारण पानी भरते हुए देखते हैं तो तुरंत ऊंचे स्थान पर पहुंचने की कोशिश करें। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसके टेलीफोन नंबर 01562513222 है तथा टोल फ्री नंबर 1077 है। बंदियों की रचनात्मक गतिविधियों और विभिन्न नवाचारों के लिए चर्चित चूरू कारागृह में एक और बेहतर गतिविधि के रूप में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशानुसार संपन्न हुई शतरंज, लूडो, चरभर आदि प्रतियोगिताओं के विजेता बंदियों को आज एक कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर संबोधित करते हुए डाइट के प्रधानाचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने कहा कि बंदी अपने जीवन में सुधार के लिए सतत प्रयास करें और यह सोच लें कि अच्छे कार्य की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। उन्होंने जेल में की जा रही सकारात्मक गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि इससे बंदियों में जागरूकता और रचनात्मकता बढ़ेगी तथा वे एक बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर होंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने कहा कि जीवन में विचार और संगति का बड़ा महत्व है। यदि हमें रचनात्मकता विचार रखें और अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन बेहतर होगा और हम कोई भी गलत कार्य से बचे रहेंगे। इस अवसर पर जिला सतत शिक्षा एवं साक्षरता अधिकारी ओम प्रकाश फगेड़िया, पुरस्कृत शिक्षण फोरम के सूर्य प्रकाश त्रिवेदी, वरिष्ठ शिक्षाविद ओम प्रकाश तंवर आदि उपस्थित रहे। बंदियों को व्यस्त रखने और उनमें सकारात्मक सोच का विकास करने के लिए हमने इंडोर गेम्स प्रतियोगिता करवाई, जिसमें चेस, लूडो, चरभर और गड्ढा खेलना खिलाए और इन प्रतियोगिता में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर जो खिलाड़ी रहे उन्हें आज सम्मानित किया गया। हमारा उद्देश्य है कि जो बंदी हैं वो यहाँ सब में जो बैठे तो सकारात्मक बात करें, तो यहाँ जो रचनात्मक प्रवृत्तियाँ चल रही है उन प्रवृत्तियों में भाग लें और जो फालतू बातें हैं उनके तो उनका ध्यान नहीं जाए, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि वो जेल से बाहर निकलें तो अच्छे नागरिक के रूप में समाज में जाए, मुख्य धारा में जुड़े, यही हम सब की भावना है। रतनगढ़ नगर पालिका में ईओ के खाली पदों के चलते आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका में आज नए ईओ ने पदभार ग्रहण किया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ में पद स्थापित ईओ अभय कुमार मीणा का स्थानांतरण हो गया था तथा वे शुक्रवार को यहां से रिलीव भी हो चुके थे, जिसके कारण राज्य सरकार के निर्देश व पालिका के तत्वावधान में लगने वाले प्रशासन, शहरों के संघ एवं महंगाई राहत कैंप में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं लोगों के पट्टों का कार्य भी प्रभावित हो गया था। आमजन
रंजन की इस परेशानी को पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत सहित कई जनप्रतिनिधि हरकत में आए तथा उच्चाधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया, जिस पर भरत कुमार हरिद्वाल की रतनगढ़ नगर पालिका में नियुक्ति हुई है। तो उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया, इस अवसर पर उनको स्वागत करके उनको शुभकामनाएं दी। बाबा श्याम का दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका यहाँ पर वंदन किया। आप सभी को जय श्री राम और उनके अग्रिम कार्यभार के लिए शुभकामनाएं। जिला मुख्यालय स्थित भारतीय अस्पताल रोड पर आज बंधन बैंक की चूरू शाखा का उद्घाटन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने किया। कुमार अजय ने कहा कि देश के आर्थिक विकास में बैंकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थव्यवस्था का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे बैंकिंग प्रभावित नहीं करती हो। वर्तमान में जिला मुख्यालय पर अनेक बैंक संचालित है। यह प्रतिस्पर्धा आम जन के लिए अच्छी बात है क्योंकि प्रतिस्पर्धा में उन्हें बेहतर विकल्प उपलब्ध होते हैं। बंधन बैंक की सेवाएं जिला मुख्यालय के नागरिकों और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर साबित होगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। इस अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक सर्वेश वर्मा, सुरेंद्र जोशी, सहायक अभियंता राजेश चौधरी आदि उपस्थित रहे। आज 14 जून 2023 को चूरू में बंधन बैंक की शाखा का उद्घाटन हो रहा है। बंधन बैंक वैसे इसका हेड ऑफिस कोलकाता है और इसकी ब्रांचें हैं करीब नेटवर्क इनका 6,500 के करीब नेटवर्क है और बाकी राजस्थान के अंदर अभी ब्रांचें करीब 45 के करीब हो गई है और 70 के करीब इस मार्च तक आने की संभावना है। तो काफ़ी बैंक एक्सपेंसिव कर रही है और 1000 ब्रांचें करीब अभी इस मार्च तक खोलेगी। तो अपनी जो बंधन बैंक है वो फुल फ्लेज यूनिवर्सल बैंक है ना। तो इसकी जो मेन इसके क्या है कि ये जो अदर बैंक से फीचर्स अलग है कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो करीबन 6.5% तक है सेविंग अकाउंट में और FD के अंदर अपना 8.5% तक ब्याज मिलता है, जो किसी बैंक में नहीं है। यूनिवर्सल बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो अपनी जो बैंक है वो उसकी जो स्थापना है वो 2015 में यूनिवर्सल बैंक का इसको लाइसेंस मिला था, उसके बाद में कंटिन्यू ये इसने अच्छी ग्रोथ करी। और इससे पहले ये 2015 से मतलब 2006 में ये NBFC थी, बंधन कॉर्नर कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड नाम से स्टार्ट हुई थी 2006 में और उसके बाद में 2015 में अच्छा इसने काम किया तो 2015 में फुल फ्लेज बैंकिंग के रूप में इसने काम मतलब स्टार्ट किया है ना। उसके बाद में जो RBI ने लाइसेंस दिया था बैंकों को वो स्मॉल फाइनेंस के रूप में दिया था, तो ये पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसको फुल फ्लेज बैंक का लाइसेंस मिला था। इसके अलावा अपन जो फीचर्स हैं भी अपन अकाउंट है वो कैश नहीं खोल सकते हैं जो अदर बैंक नहीं खोलती है। अकाउंट अपना कोई मेंटेनेंस नहीं है सर, ये अपना यूनिक फीचर है। मतलब अकाउंट आप कितनी अमाउंट से खुलाओ लेकिन अपने यहाँ पर क्या है कि भी जैसे आपने 2,00,000 से खुला लिया, 5,00,000 से खुला लिया अकाउंट, लेकिन आपने यदि 0 बैलेंस कर दिया तो कोई तरह का आपके चार्ज नहीं लगेगा, तो ये अपना यूनिक फीचर है। रतनगढ़ के गांव बुकरेड़ी में आज आयोजित महंगाई राहत कैंप में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का वरिष्ठ कांग्रेस नेता व PCC सदस्य पुसाराम गोदारा ने अवलोकन किया। इस दौरान गोदारा ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान में होने वाले कार्यों में अधिकाधिक रजिस्ट्रेशन करवाकर योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने शिविर में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के माध्यम से राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने व वर्तमान समय में आमजन को महंगाई से दिलाने के लक्ष्य के तहत कार्य कर रही है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद कुमार चाकलान, SDM अभिलाषा चौधरी आदि उपस्थित रहे। आजकल गर्दन के पीछे यहाँ सूजन और यहाँ का दर्द, सर्वाइकल का दर्द आम बात होती है। इसके लिए एक सिंपल सी क्रिया हम कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, और वो उपाय है पेन से। आप पेन से जो है अपने पॉइंट देखिए, कोई पॉइंट ऐसे दबाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पॉइंट मुझे दबाना है, लेकिन अगर पेन से इसको हम करें तो सारे पॉइंट में कहीं ना कहीं सर्वाइकल का पॉइंट जो है दब जाएगा। तो सबसे पहला तो जो पॉइंट है वो अंगूठे के जस्ट पीछे है, इस तरीके से पेन को लीजिए और ऐसे आगे पीछे मूव करिए। आप लगभग ये मानिए 2-3 मिनट ऐसा करेंगे ना तो एक पॉइंट आपको ऐसा लगेगा जहां दर्द ज्यादा है,
तो वहां पर इस तरीके से आप रोल करेंगे। इससे थोड़ा सा हार्ड और करना है तो आप पेंसिल ले सकते हैं और इस तरीके से करिए। ये तो अंगूठे के पीछे हो गया, ये अंगुलियों का जो पृष्ठ भाग है ये भी आपको करना चाहिए इसके साथ साथ। और ये सर्वाइकल के दर्द में आपको 3-4 मिनट में ही आप देखिएगा कितना रिलीफ मिलेगा। 2-3 मिनट सुबह, 2-3 मिनट शाम को, ये अभ्यास नियमित करके देखिए। चूरू जिले में अब तक आयोजित महंगाई राहत कैंपों में 20,65,414 गारंटी कार्ड विभिन्न योजनाओं में जारी हो चुके हैं, जिनमें कुल 4,46,232 परिवार लाभान्वित हुए हैं। बुधवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कैंपों में 8,423 पंजीयन हुए, जिस पर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए गए। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आज रतनगढ़ ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भामाशाह अब्दुल वासित खोकर उर्फ मुंशी के आर्थिक सौजन्य से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय सेठ सूरजमल जालान जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में 52 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। ब्लड बैंक की संग्रहण क्षमता से अधिक रक्तदाता होने के कारण अन्य डोनर की ब्लड ग्रुप की जानकारी सुरक्षित रखी गई है, ताकि आवश्यकता होने पर उनसे तत्काल रक्तदान करवाया जा सके। रक्तदान शिविर में भामाशाह अब्दुल वासित खोकर ने जहां शिविर आयोजन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई, वहीं स्वयं एक यूनिट रक्तदान कर अन्य रक्तदाताओं को प्रेरणा देकर एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सोसाइटी के संरक्षक मोहम्मद अनवर कुरेशी, अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, कोषाध्यक्ष कासम निर्वाण आदि उपस्थित रहे। आज 14 जून 2023 विश्व रक्तदान दिवस के ऊपर, रक्त दिवस के उपलक्ष्य में आज ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी रतनगढ़ की तरफ से जालान जिला अस्पताल रतनगढ़ के अंदर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सोसाइटी की तरफ से 100 यूनिट का लक्ष्य था, पर अस्पताल की असुविधा का अभाव देखते हुए अस्पताल ने 52 यूनिट ही लिया है। और इस बात की बहुत खुशी हुई, कभी अस्पताल के पूरे स्टाफ ने, पूरे डॉक्टरों ने संस्था का सहयोग दिया रक्तदान के अंदर। और आज जितने भी रक्तदान के अंदर रक्तदान दिवस पे इस प्रोग्राम में शिविर के अंदर जितने भी संस्था के पदाधिकारी और सदस्य आए हुए, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो शिविर जो लगा है, ये भाई अब्दुल वासित उर्फ मुंशी खोकर की सौजन्य से ये लगाया गया है। और ये हमेशा ही तीसरी बार ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, और हर बार इन्हीं के सौजन्य से ये लगाया जाता है। और हमें खुशी है इस बात की, तो आइंदा भी हमें पूरा सहयोग देने का इन्होंने विश्वास दिला रखा है। और आज जितने भी रक्तदान रक्तवीर आए हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें ऐसे रक्तवीरों को जन्म दिया जो आज रक्त दिया। और रक्त दान एक जीवन दान है, रक्त दान रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम सभी को रक्त देना चाहिए, जिससे किसी की ज़िंदगी बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी पधारे हुए, पूरे अस्पताल का स्टाफ और सारे पदाधिकारी और सदस्यों का बहुत बहुत आभार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आज DLED प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों ने संस्थान द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जाने वाली मरुदीप पत्रिका की समीक्षा की। प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने समीक्षा की सराहना करते हुए इस बार लीक से हटकर समस्त भाग लेने वाले 11 प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा मनोविज्ञान की बेहतरीन पुस्तक व कलम देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ व्याख्याता डॉ. विजयलक्ष्मी शेखावत, कुसुम शेखावत, व्याख्याता सरिता कुमारी आदि उपस्थित रहे।
नगरीय ढांचा सर्वेक्षण योजना के फेज 2017-22 में सभी वैधानिक नगरों का डिजिटाइजेशन कार्य किया जाना है, जिसके अंतर्गत रतनगढ़ में भी उक्त कार्य संपादित होगा। इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए विभाग ने रतनगढ़ थाना अधिकारी को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। विभाग के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी सुवालाल पंकज ने सीआई के नाम लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि यह एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है, जिसके द्वारा सामाजिक आर्थिक योजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए फ्रेम तैयार होती है, जो कि नीति निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करती है। इस कार्य में दिनेश पालीवाल, गजेंद्र वर्मा, लाभांश प्रजापत कार्यरत हैं। हम तो सर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से हैं और वार्डो का ऑनलाइन सर्वे किया, तो इसमें परिवारों की भी गणना करते हैं साथ साथ, और इसका वार्डो का ये वार्ड वो पार्षद हिसाब से मिला है। हमने मिल के इनसे बातचीत की है कि वार्ड की हमारे सीट दिखाओ, तो हम क्या है कि जैसे वार्ड का वो ऑनलाइन मैप बनाते हैं, पहले उसमें परिवारों का सर्वे करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। अब तक आपने कितने वार्डों का सर्वे किया चुका है? हमने कर लिया सर, मैंने तो 18 वार्डों का सर्वे, तो हम क्या है कि रतनगढ़ का पूरे का ही सर्वे कर रहे हैं, 45 वार्डों का करेंगे हम, तो 3 जने लग रहे हैं हमें। चूरू आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग जिलाध्यक्ष संजय खान घांगू व उनकी पूरी टीम ने आज पार्टी के विधानसभा प्रभारी जगदेव सिंह बाम का लोगों से जनसंपर्क शुरू किया। बाम ने आम लोगों को बताया कि आने वाली 18 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गंगानगर आने पर महारैली आयोजित की जा रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर, ब्लॉक अध्यक्ष सत्तार खान, मीडिया प्रभारी सोएब हुसैन आदि उपस्थित रहे। आम आदमी के चूरू लोकसभा प्रभारी लगाए गए हैं जगदेव सिंह जी बाप, जो हमारे को ये बताने आए चूरू के अंदर जो 18 तारीख को रैली होनी है, तो उसके लिए ये निवेदन कर रहे हैं कि अपने चूरू जिले से ज़्यादा संख्या में 18 तारीख की रैली को जो गंगानगर होने वाली है, जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो उस रैली को सफल बनाने के लिए और ये डोर टू डोर और चूरू के अंदर लोगों से निवेदन और विनती कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गंगानगर पधार के रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। चूरू के नई सड़क स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज कायम खान शहादत दिवस पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया की अध्यक्षता में मनाया गया। मैनसरिया ने कहा कि राजस्थान में अब तक करीब 14 वीर चक्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 7 वीर चक्र अकेले कायम खानी समाज को मिले हैं। यह कायम खानी समाज एवं राजस्थान के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार देश की आज़ादी से लेकर देश की रक्षा करते हुए अब तक सैकड़ों से अधिक कायम खानी समाज के सैनिक विभिन्न पदों पर रहते हुए शहीद हो गए हैं। इस अवसर पर पार्षद हाजी अली मोहम्मद भाटी, पार्षद प्रत्याशी मोहन टेलर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यूसुफ लोहार आदि मौजूद रहे। आज कायम खान शहादत दिवस पर चूरू जिला मुख्यालय पर नई सड़क स्थित कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाया गया और कायम खानी समाज एवं राजस्थान के लिए ये गर्व की बात है कि राजस्थान में अब तक 14 वीर चक्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 7 अकेले कायम खानी समाज को मिली हुई राजस्थान के लिए और कायम खानी समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक हमारे सैनिक कायम खानी समाज के सैकड़ों ज़्यादा शहीद हो गए, उनको नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि इस समाज को और ताकत दे, संबल प्रदान करें। रतनगढ़ तहसील के गांव गोलसर के परिवार में शादी की खुशियों पर उस समय ग्रहण लग गया जब सड़क हादसे में दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गई तथा ताऊ की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा दोनों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर युवती की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के गांव गोलसर निवासी 58 वर्षीय इंद्रचंद शर्मा के छोटे भाई उदाराम की दो पुत्रियों की शादी 23 जून को है तथा परिवार के लोग इन दिनों शादी की खरीदारी में लगे हुए हैं। इंद्रचंद अपनी 18 वर्षीय भतीजी सरिता को शादी की खरीदारी करवाने के लिए बाइक पर रतनगढ़ लेकर आया था तथा खरीदारी कर वापस गांव जा रहे थे कि गांव हुडेरा में सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक के टक्कर मार दी, जिससे इंद्रचंद व सरिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने
इंद्रचंद को मृत घोषित कर दिया। वहीं सरिता को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। अभी अभी एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, अभी सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होकर इंद्रचंद सनो मणिशंकर शर्मा उम्र 58 साल निवासी गौर से जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और सरिता पुत्री उदाराम शर्मा उम्र 18 साल जो गंभीर हालत में उसको इलाज रेफर किया गया है सेंटर। फिर कहाँ पे ये हादसा हुआ है, किस प्रकार हुआ है? ये मोटरसाइकिल से बता रहे हैं, पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट दी नहीं है, ये वेरा फंटा की तरह बता रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव मालसर की रूही में पति के साथ ढाणी बनाकर रहने वाली 27 वर्षीय विवाहिता फांसी के फंदे पर झूल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को फंदे से उतराकर रतनगढ़ जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। सब इंस्पेक्टर मानकलाल डूडी ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गाँव हामूसर निवासी 27 वर्षीय सुमन देवी अपने पति मोहनलाल नायक के साथ मालासर की रूही में स्थित खेत में ढाणी बनाकर रहती है, जो आज ढाणी में फांसी का फंदा लगाकर झूल गई। डूडी ने बताया कि मृतका अस्वस्थ थी तथा मानसिक रूप से भी बीमार थी। विवाहिता के 4 संतानें हैं। आज हामूसर सरपंच ने दिल्ली टेलीफोन थाना पर सूचना दी थी कि माला सटोई में त्रिलोक सिंह के खेत में परमेश्वर लाल जिसने खेत काश्त कर रखा है उसकी औरत ने फांसी खा ली, जिस पर मैं वह स्टार मौका पर पहुंचा। मौका पर जाकर रात का फांसी पर लटकी हुई थी। मृतका का नाम सुमन, पत्नी परमेश्वर लाल, जाति नायक, उम्र 27 साल, निवासी बावलेश्वर, वीर है उसका बावलेश्वर और ससुराल है हामूसर। जिस पीर पक्ष को मौके पर बुलाया गया, पीर पक्ष की मौजूदगी में लाश उतराया गया। इससे पूर्व श्रीमान शिव साहब भी मौके पर पधारे, जिन्होंने मौके का निरीक्षण किया गया। हम लाश को मौत रूम रखवाया गया। अभी तक पीर पक्ष की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, रिपोर्ट देने पर आगे कार्रवाई की गई।